यमन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी मैं कि जो राग यमन है हमारी, वो उसका जो थाट है हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में 10 थाट है, पता है आप लोगों को? इन टोटल 10 थाटों में हमारा एक थाट है कल्याण थाट। उस कल्याण थाट में राग यमन आता है, और कल्याण थाट की विशेषता क्या होती है कि इसमें शार्प मा होता है। कौन सा मा? शार्प इस थाट में आने वाले जितने भी राग हैं सब में शार्प मा लगेगा, तीव्र मा। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। कोई भी राग हो अगर वो कल्याण थाट में आ रहा है तो आंख बंद करके आपको क्या बोलना है, इसमें तीव्र मा लगेगा। ओके, अब राग यमन है तो बात करेंगे वादी और संवादी। ये दो नोट होते हैं, ठीक है, सोनेट सब सोनेट। तो सोनेट नोट वो होता है जो राग में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राग यमन का सोनेट नोट है गा, गंधार। क्या है? ठीक है, और इसका सब सोनेट नोट है यानी संवादी स्वर वो है नी, निषाद। ओके, तो यानी गा के बाद जो सबसे ज्यादा फिर यूज होगा नोट इस राग में वो है नी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। तो जिसकी टाइमिंग है राग यमन की गाने की वो है फर्स्ट फेज ऑफ नाइट, रात्रि का प्रथम प्रहर, जो कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है। ठीक है, अगर आप इस टाइम पे इस राग को गाएंगे तो इसके जो स्वर होंगे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब ये राग सुनने में बहुत अच्छी लगेगी आपको। वैसे तो हम अभी दिन पे सीख रहे हैं राग, कोई दिक्कत नहीं है, गा लेते हैं, लेकिन अगर हम इसकी टाइमिंग पे गाएंगे, जो इसकी टाइमिंग है फर्स्ट फेज ऑफ नाइट, तो सुनने में बहुत अच्छी लगेगी, एक माहौल बहुत अच्छा बनता है अगर किसी राग को उसके टाइम पे गाया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे अदर नोट जो होते हैं बाकी। माँ तो शार्प हो गया, इसके बाद जितने भी नोट लग रहे हैं वो सब नेचुरल नोट हैं, शुद्ध स्वर हैं, मतलब सारे गामा पाधा नहीं लगेंगे सारे नोट, तो जिसकी जाती हुई राग की वो गई संपूर्ण संपूर्ण, क्योंकि सारे के सारे नोट लग रहे हैं, ऐसा कोई नोट नहीं है जो इस राग में ना लग रहा हो। माँ भी देखो लग रहा है, भले उसका तीव्र रूप लग रहा है लेकिन लग रहा है कहीं ना कहीं, तो ऐसा कोई नोट नहीं है जो हमने छोड़ा हो। ठीक है, सारे के सारे नोट लगेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस कर लो, आंसर दोगे? रेडी हो? ओके, चलो। अच्छा बताओ कि ये जो राग है हमारा वो किस थाट से उत्पन्न है? डन ना? सही बोले हो? पक्का? लॉक करें? ओके। वादी स्वर क्या है इसका? वादी स्वर? ओके। एंड संवादी स्वर? ओके। इसका जो टाइम है गाने का वो क्या है? ओके, टाइमिंग क्या होती है फर्स्ट फेज ऑफ नाइट? 7 to 10, हाँ, शाम का टाइम जो होता है। ठीक है, ओके। अब आपको ये बताना है इसमें सारे नोट लगते हैं कि कुछ नोट्स हमने सारे नोट लगते हैं ना, सो ये कैसा राग हो गया? संपूर्ण राग हो गया ना, हेप्टाटोनिक। ओके, तो क्लियर ना सारे क्वेश्चंस? ओके गुड।